हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बिजली विभाग में एक नया नोटिफिकेशन आया है आप सभी के लिए। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, यानी कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप सभी इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। कुछ ऐसा नहीं है, इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगी गई है, नॉर्मल है बिजली विभाग की है। इतनी ज़्यादा आपको मेहनत करने की जिम्मेदार बात यही है, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। असिस्टेंट की पोस्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा, सैलरी वगैरह एवरेज है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई, 10th 12th आराम से कर दोगे। तो चलिए हम स्टार्टिंग से विस्तार में समझते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या रहने वाला है? ऑर्गेनाइजेशन नेम जो है मैंने आपको बता दिया, बिजली विभाग। पोस्ट कौन सी है? असिस्टेंट की है, बट नॉट असिस्टेंट। इट डिवाइड इन 3 पार्ट्स। असिस्टेंट के अंदर भी बहुत सारी पोस्ट होती है, तो वैसे ही इसमें भी असिस्टेंट के अंदर बहुत सारी पोस्ट है। ऐसी 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। फर्स्ट जो है इसके अंदर मीटर रीडर जो होते हैं ना, मीटर रीडर उनके लिए, मीटर रीडर के लिए, ठीक है। सेकंड जो होते हैं वो होते हैं कैश कलेक्टर के लिए। एंड थर्ड मीटर रीडर को हो गया, कैश कलेक्टर को हो गया। थर्ड जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है इसके अंदर, बिलिंग की आपकी इसके लिए, यानी कि फर्स्ट मीटर रीडर, सेकंड कैश कलेक्टर, थर्ड बिलिंग के लिए इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है। फिर बात करेंगे वैकेंसी की, तो वैकेंसी जो है बहुत सारी है, उनके अकॉर्डिंग है, मतलब 1000+ तो नॉर्मली है ही, वैकेंसी काफी ज्यादा अमाउंट में है, बहुत ही वैकेंसी है। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है? इम्पोर्टेंट डेट अभी अच्छी खासी चल रही है, अभी इसकी लास्ट डेट जो है काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बट इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो बहुत पहले ही आ चुका है, यानी कि 24 जनवरी में आ चुका था, स्टार्ट हो चुका था, बट जो लास्ट डेट है वो काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम है, अभी मतलब मंथ तो लास्ट है, 27 फरवरी मतलब लास्ट है, बट क्या अभी भी काफ़ी ज़्यादा दिन है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, तो अभी हम ज़्यादा टाइम हो, अभी हमारे पास अच्छा खासा 1-2 हफ्ते से ऊपर है। एंड इसके अंदर बात करें, आपका ये डेट हो गया, इंपॉर्टेंट डेट हो गया, सैलरी कितनी रहने वाली है? तो सैलरी जो आपकी 20,000 होने वाली है, 20,000 आपकी यहाँ पे पर मंथ सैलरी यहाँ पे आपकी रहने वाली है पर मंथ। नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है, इंपॉर्टेंट सैलरी का, जैसे कि 20,000 आपको ऐसा लग रहा होगा सैलरी बहुत कम है, बट अब आप इसकी क्वालिफिकेशन सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा सैलरी बढ़िया है, पोस्ट भी बढ़िया है। कितना लिखा है? 10th पास, केवल और केवल आपका 10th पास होना जरूरी है। अगर आप 10th पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी जो है 20,000 रुपये पर मंथ रहेगी, बढ़िया है। नेक्स्ट इसके अंदर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एज लिमिट कितनी चाहिए? तो एज लिमिट जो है 18 साल से लेके 44 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। प्लस पॉइंट इसके अंदर एक ये है कि यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन क्या मिलेगा? अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपका 47 हो गया, 43 47, हाँ करेक्ट। SC ST से हो तो आपका यहाँ पे 49 हो गया, तो आपको ये यहाँ पे एक रिलैक्सेशन मिल जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे, हमारा एग्रीमेंट भी हो गया, हमारी एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है? तो एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, SC ST, PH, फीमेल, मेल, कोई भी हो, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे आपका सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। तो आपका सिलेक्शन जो है नॉर्मली है, इतना ज़्यादा वो नहीं होने वाला, बट ये जो वैकेंसी है ना उसके लिए आपको थोड़ा सा पंगा यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आपका जो है इसके अंदर सिलेक्शन जो है आपको ऑनलाइन ही होने वाला है। एंड इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो ऑफलाइन है, नहीं सॉरी सॉरी, इसकी जो वैकेंसी ऑनलाइन है, ऑनलाइन वैकेंसी है, पर यह ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, वहाँ के पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए है, जो कि है राजस्थान। राजस्थान के लिए वैकेंसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप राजस्थान के हो तो आपके लिए वेल एंड बेस्ट है, अगर आप राजस्थान के नहीं हैं, अदर किसी स्टेट के हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, मैं उस स्टेट से रिगार्डिंग भी वैकेंसी लेके आऊँगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिगार्डिंग वैकेंसी चाहिए, या फिर वो जो उस एरिया में एरिया को कवर करती हूँ उससे रिलेटेड चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे स्टेट का नाम बता सकते हैं, तो फिर मैं उसके उसके अंदर जो वैकेंसी चल रही होगी उसके ऊपर मैं देखूंगी, और फिर मैं आपको इसके लिए
मतलब एक सजेशन, एक अच्छी खासी वैकेंसी की वीडियो लेके आ जाऊंगी जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होगी। डेली चैनल पे 2 से 3 वैकेंसी की वीडियो अपलोड होती है जो कि प्राइवेट से भी रिलेटेड होती है, क्योंकि इस चैनल पे ना आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी का भी पता लगता है, साथ के साथ आपको प्राइवेट जॉब से रिगार्डिंग भी वैकेंसी का पता लगता है, और साथ के साथ आपको वर्क फ्रॉम होम का भी पता लगता है, यानी कि हब है ये वैकेंसी का। तो आपको इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और वो मतलब अप्लाई कर पाएँ, इवन किसी के काम भी आ जाए, बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ एक चैनल बहुत ही जल्द नया बनने वाला है जिसमें आपको जनरल क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व की जाएगी, और जैसे कि उसमें क्या होता है कंप्यूटर की जनरल क्वेश्चन, लॉजिक रीजनिंग वगैरह ये सब प्रॉब्लम रहता है, तो उसको ऑलरेडी मैं अभी कर रही हूँ तैयारी, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो सीख चुकी हूँ वो मैं आपको सिखा सकती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको उसके लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ। फर्स्ट अभी आप ये वैकेंसी के ऊपर ध्यान दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर